हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कॉमर्स से रिलेटेड जो कोर्सेज है, कॉमर्स में जो कोर्सेज है उसकी वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब जिन्हें हमें मतलब लेना ही है, ये हमारे सब्जेक्ट मतलब रहेंगे ही रहेंगे अगर हम कॉमर्स से लेते हैं। क्योंकि आफ्टर टेंथ मतलब हमारे पास में तीन चॉइस होती है, एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट्स और एक होता है कॉमर्स। तो मैंने ये वीडियो गाइस कॉमर्स पे बनाई है। तो कॉमर्स में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पहला है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी असल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जितना ज़्यादा मतलब हम इसे समझते हैं उतना ही इंटरेस्टिंग बनता जाते हैं। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता है गाइस, इसे हम बहुत ही सिंपली मतलब रूल्स और रेगुलेशंस की बेस पर समझ सकते हैं। तो अकाउंटेंसी जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके बाद का जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होते। थ्योरेटिकल नॉलेज इसके अंदर गिवन रहता है और ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ होती है। इसके बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट है हमारा वो है बिज़नेस स्टडीज़। इसके अंदर हमारे को मतलब बिज़नेस की स्टडीज़ कराई जाती है। थर्ड सब्जेक्ट होता है जो कि कंपलसरी माना जाएगा। इसके बाद का जो फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा वो है इंग्लिश। गाइस ये इंग्लिश फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा हमारा जो कंपलसरी रहेगा। बस ये चार सब्जेक्ट जो हमारे कंपलसरी है। इसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारे वो कौन कौन से है? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब या तो हम इसे ले भी सकते हैं या तो इसे हम नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन मतलब जो है तो ये दो टाइप, ये कितने टाइप के हैं ये मैं आपको बाय गाइस बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें मतलब इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट बताया जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब जो है तो सब्जेक्ट है, IT जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल में वो है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर पूरा मैथमेटिक्स हमारा बिजनेस का पढ़ाया जाता है। इसके बाद का जो गाइस थर्ड सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ये भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी है, हिंदी भी ले सकते हैं, मराठी भी ले सकते हैं और मतलब उर्दू भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा है साइकोलॉजी, ये भी हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाएगा। इसके बाद का जो हमारा छठा सब्जेक्ट है वो फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स भी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब गाइस इसमें कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो कैरियर ऑप्शन में गाइस सबसे पहले है CA फाउंडेशन कोर्स। ये CA जो कोर्स होता है मतलब आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर BCom ये 3 इयर्स या 4 ईयर का रहता है। तो गाइस ये CA जो है चार्टर अकाउंटेंसी एक कोर्स है, इसमें हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो CA एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि डिग्री नहीं है, बस एक प्रोफेशनल कोर्स है CA चार्टर अकाउंटेंसी। इसके बाद में गाइस जो दूसरा हमारा कोर्स है कॉमर्स के अंदर वो है CS होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ये भी हमारे पास में ग्रेजुएशन के बाद में किया जाता है और ये भी मतलब करीबन 3 साल का होता है। इसके बाद का जो तीसरा कोर्स है वो है CMA। CMA मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ये भी मतलब डिग्री नहीं है। जैसे कि CA है, CA के बाद में CS है, CS के बाद में CMA है, ये तीनों ही मतलब जो है तो प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये डिग्री नहीं है। इसके बाद में गाइज हमारे पास में है फोर्थ वाला CFA। CFA यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब इसमें हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है लॉ यानी LLB का जो कोर्स होता है, मतलब अगर किसी बंदे को अगर एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, तो वो मतलब लॉ के कोर्स को अपना सकता है। बहुत सारे मतलब इसमें भी ऑप्शन होते हैं गाइस, तो कॉमर्स में ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके बाद में हमारा जो छठा ऑप्शन है हमारे पास है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में गाइस बहुत सारी है, जैसे कि हम MBA करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट है, उसके अलावा मतलब होटल मैनेजमेंट के अलावा स्कूल मैनेजमेंट है, बहुत सारे कोर्सेज मतलब हमारे पास अवेलेबल है। हम मतलब एयरलाइंस में भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कोर्स होते हैं। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना या बंदोबस्त करना या मैनेज करना, मतलब इंतज़ाम करना, इस तरह से मतलब हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद में सातवां जो गाइस हमारे पास ऑप्शन है वो है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अगर किसी की रुचि मतलब आर्ट्स के अंदर है, कला के अंदर है, तो वो मतलब इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकता है या अपना सकता है। इसके बाद हमारे पास गाइस
आठवां ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है बीकॉम फैकल्टी के अंदर, यानी कॉमर्स फैकल्टी के अंदर, तो ये भी कर सकते हैं हम गाइज। इसके बाद में जो नौवां ऑप्शन है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, असल में ये जो है तो जर्नलिज़म्स और मास कम्युनिकेशंस के अंदर गाइज, अगर आप अगर मतलब पत्रकारिता में अगर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप मतलब जो है तो जर्नलिज़म्स में जा सकते हैं। जर्नलिज़म्स और मास कम्युनिकेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है बीकॉम फैकल्टी के लिए, मतलब कॉमर्स फैकल्टी के लिए। इसके बाद में गाइस हमारे पास में एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। अगर कोई मतलब एनिमेशन और मल्टीमीडिया में इंटरेस्टेड है तो वो इस टाइप के ऑप्शन को अप्लाई कर सकता है। दसवां हमारा ऑप्शन था। इसके बाद में गाइस हमारा ग्यारहवां ऑप्शन जो है हमारा वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट असल में होते हैं गाइस क्या, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जो है तो हम बहुत सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मतलब कोई प्रोग्राम्स होता है तो प्रोग्राम्स के लिए हमें उसका मैनेजमेंट करने का जिम्मा दिया जाता है, तो इसी को हम इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर मतलब प्रोग्राम्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेना, यही इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो ये भी कोर्स एक मतलब कॉमर्स फैकल्टी के अंदर अवेलेबल है गाइज। इसके बाद में है बारवा ऑप्शन हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग, अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो वो गाइस मतलब कॉमर्स फैकल्टी से ये भी कोर्स कंप्लीट कर सकता है गाइस। इसके बाद में हमारा तेरहवा कोर्स है हमारा वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग असल में एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना मतलब वेबसाइट्स बनाना और इसको डिज़ाइन करना, ये भी एक कोर्स है जो कि कॉमर्स फील्ड के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में गाइस लेक्चरर एंड प्रोफेसर। तो लेक्चरर एंड प्रोफेसर जो एक कोर्स होता है, ये मतलब हमें बीकॉम ग्रेजुएट होने के बाद में मतलब एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट भी होना पड़ता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में हमें जो है तो प्रोफेसर बोले तो मतलब हम पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करके मतलब हम लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमें ग्रेजुएट भी रहना पड़ेगा और पोस्ट ग्रेजुएट भी बनना होगा, तब जाके हम लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं गाइज। इसके बाद में हमारा जो पंद्रहवा ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, कोई भी सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है अगर आप कॉमर्स से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो। इसके बाद में जो सोलहवा ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टॉक मार्केटिंग। स्टॉक मार्केटिंग में जो स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केटिंग वगैरह है, तो इसमें भी हमारा कैरियर बन सकता है बीकॉम के बाद में, मतलब हम ये फील्ड को भी एडप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर असल में जैसे कि बहुत सारे बैंकिंग के सेक्टर्स से, हैं, आरबीआई है, इसके बाद में एसबीआई है, इस तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमें बैंकिंग सेक्टर में अगर हमारा कैरियर बनाना है तो हमें एक एग्जाम्स देना होगा जो कि IBPS कहलाता है। IBPS में होता है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सॉल्यूशंस। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हम किसी भी बैंक के अंदर मतलब अपनी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस बैंकिंग सेक्टर्स के बाद में हमारे पास में आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए हमें मतलब जो है तो अगर हमारा कैरियर स्पोर्ट्स में बनाना है, जैसे कि क्रिकेट है, जैसे कि हॉकी है, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम हमारा कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमें इससे पहले BPED करना होगा। BPED मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, तो हम स्पोर्ट्स के अंदर भी कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में 19वां ऑप्शन है MNC कॉरपोरेट सेक्टर। MNC कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर हम हमारा कैरियर बना सकते हैं गाइज, अगर हम इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो। और गाइज लास्ट वाला ऑप्शन जो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो है तो बिजनेसमैन का एक ऑप्शन है, क्योंकि गाइज हम इकोनॉमिक्स, PBO, इसके अलावा अकाउंटिंग्स वगैरह सारी चीज़ों का नॉलेज हासिल करते हैं, तो इससे हमारे पास में बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है। इसलिए हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और अच्छे बिजनेसमैन बनने के साथ साथ हम इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में